हम स्टडी करेंगे टेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस का जो मतलब होता है उसे हम काल कहते हैं, हिंदी में इसे हम काल कहते हैं। और काल जो होता है टेंस, ये हमारा कुल तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार के कुल टेंस हमें अध्ययन करने हैं इसमें, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी चीज़ों में यदि हम देखें तो हर एक के चार चार भाग होते हैं, जिनकी कैटेगरीज बताई हैं। ये चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस इसे डिवाइड किया गया है चार भागों में, इंडेफिनिट, दूसरे को कहते हैं कंटिन्यूअस, तीसरे को कहते हैं परफेक्ट और चौथे को कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात, तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही ये पास्ट में भी लागू होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही फ्यूचर में भी ये लागू होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये जो तीन टेंस बताए गए हैं इनमें से प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये टेंस होता क्या है? टेंस होता क्या है? समय के अनुसार क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है वही टेंस कहलाता है। समय के अनुसार क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है, उसके कार्य के अनुसार क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है वही टेंस कहलाता है। जैसे यदि आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हम ये कह सकते हैं कि मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट की कौन सी कैटेगरी होगी? मैं पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी कैटेगरी होगी? मैं पढ़ा चुका हूं, ये कौन सी कैटेगरी होगी? और मैं पढ़ाता रहा हूं, ये कौन सी कैटेगरी होगी? यानी इस तरीके से ये जो हमने टेंस के ऊपर बात किया है, हमने ये देखा है कि हर टेंस का अपना अलग अलग मतलब है। तो इसी प्रकार से इनको अलग अलग चार भागों में डिवाइड किया गया है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे इंडिफिनिट की हम बात करें तो मैं पढ़ाता हूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और परफेक्ट की बात करें तो मैं पढ़ा चुका हूँ, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यानी हमने इन चीज़ों में देखा कि किस तरीके से ये अपने अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं टेंस, और कैसे इनके क्रियाओं में इनके समय के अनुसार कैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन सारी बातों का डिस्कस हम लोग इस टेंस के अंतर्गत करेंगे। तो रही बात ये कि जैसे जैसे समय के अनुसार सेंटेंस का कार्य बदल रहा है वैसे वैसे टेंस भी बदल रहा है। तो यह हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार
क्रिया के कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है वही टेंस कहलाता है। समय के अनुसार क्रिया के कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है वही टेंस कहलाता है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडिफिनिट को लेकर के, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। किसे कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस? तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लेकर के। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इस प्रकार से देखते हैं कि हर टेंस के नाम में उसकी पहचान होती है। जो भी टेंस है उसके नाम में ही उसकी पहचान होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेजेंट माने, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट माने वर्तमान, और इंडिफिनिट का मतलब होता है और निश्चित, और टेंस माने काल, यानी वर्तमान और निश्चित काल। हम इसमें स्टडी करेंगे वर्तमान, और दूसरे शब्द का मतलब होता है अनिश्चित, और तीसरे शब्द का मतलब है काल। यानी ये फिक्स हो गया बात इसमें क्या, कि इसमें जिस चीज का अध्ययन करेंगे, जिन बातों का हम अध्ययन करेंगे, वह पूरे कार्य अनिश्चित होंगे। अनिश्चित का मतलब जिसका होना निश्चित न हो कि कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, यह चीज अनिश्चित के अंतर्गत आता है। तो इस चीज को हम बोलेंगे वर्तमान अनिश्चित काल। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि आखिर यह वर्तमान अनिश्चित काल यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? जैसा आप जानते हैं कि हर एक टेंस की अपनी एक पहचान होती है, जो उसके क्रिया के कार्य के आधार पर अलग अलग चीजों में डिवाइड होती है, यानी विभाजित होती है इसमें। तो आगे हम बात करेंगे इसमें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। आप जानते हैं इस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि आते हैं। वाक्य की जो क्रिया होती है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि आते हैं। तो इस तरीके से ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। दूसरी चीजों में बात करें तो और निश्चित, जैसे भी मैं कहूं कि पंखा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं उसे देख रहा हूं, वह चल रहा है, तब तो हम कहेंगे कि पंखा चल रहा है। लेकिन मान लीजिए वो पंखा रुका है, तब तो हम नहीं कहेंगे कि पंखा चल रहा है। हां, हम ये कह सकते हैं कि यह पंखा चलता है। ठीक, यह पंखा चलता है। तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, यही पहचान होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। वाक्य के अंत में नहीं, यह गलत हुआ कहना, वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में। जैसे यदि हम बात करें क्रिया को, जैसे आपने कहा गो, तो गो माने क्या होता है? जाना। तो जाने से सेंस में क्या होगा? जाता है। जाने सेंस में क्या होगा? आप यहां पर कहेंगे कि जाता है। ठीक, ता है आया कि नहीं? तो वह जाना शब्द क्रिया है, उसका क्रिया के अंत में होगा, न कि वाक्य के अंत में हम कहेंगे। इसी प्रकार से यह रही इसकी पहचान। यानी आपने क्या सीखा अभी? आपने यह सीखा कि वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आए, और कार्य का अनिश्चित रूप से होना पाया जाए, निश्चित नहीं अनिश्चित रूप से होना पाया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे, अनिश्चित रूप से। दूसरी चीज, इस टेंस से कई चीजें व्यक्त होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं हैबिचुअल एक्शन, इस टेंस से हैबिचुअल एक्शन का बोध होता है। दूसरी चीज आगे इसे कहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ,
यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध होता है। न्यूज हेडलाइंस इसी टेंस के अंतर्गत लिखी जाती हैं, न्यूज हेडलाइंस। और न्यूज हेडलाइंस डेली रूटीन, डेली रूटीन हैबिट एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो व्यक्त होती हैं इसी टेंस के अंतर्गत व्यक्त होती हैं। हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, न्यूज हेडलाइंस हो, डेली रूटीन हो, हैबिट हो, इस सब चीजें इसी टेंस के अंतर्गत व्यक्त होती हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी सेंटेंस या टेंस हम लिखने जा रहे हैं तो उसमें हमें जरूरत किस चीज की पड़ती है। यदि हम कोई भी एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसके सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद अदर्स। ये तीन चीज किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर के लिए, ये तीन चीज का होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो अन्य बचते हैं उसके बाद में लिखते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया इंडिफिनिट के बारे में, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए पहचान के रूप में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, और कार्य का और निश्चित रूप से होना पाया जाना चाहिए। और ऐसे वाक्य जो हम बोलेंगे उन वाक्यों से ये चीजों का बोध हो सकता है, जैसे हैबिचुअल एक्शन का, यूनिवर्सल ट्रुथ का, न्यूज हेडलाइंस का, डेली रूटीन का, हैबिट का, इस सब चीजों का बोध हो सकता है। और अभी हमने स्टडी किया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का एक आधार होता है, उसी के अनुसार हम कोई चीज लिखते हैं। तो अब हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो नियम हैं वह क्या चीज हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अपने नियम, ये कौन कौन से रूल हैं इसके अंतर्गत, तो सबसे पहले बात करेंगे रूल फर्स्ट। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से हमारे आते हैं, ही, सी, इट और नेम, ये जितने भी होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, दे और वी। दूसरे शब्दों में यदि ये कहें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन के सभी चीजें आती हैं, दे को छोड़ करके सिंगुलर सब्जेक्ट में, और उसके बाद आई, वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है और यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अब यहां से हम बात करेंगे किसका रूल क्या था। उसका रूल यह था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या बोला अभी हमने कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी हम लिखेंगे यहां सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर्स, अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस अदर थिंग्स। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि किसी भी सेंटेंस का तीन शब्द आधार होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वही चीज मैंने लिखा है यहां, सिंगुलर सब्जेक्ट
और ये है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस देखें, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो पता चला वह। यानी यदि देखा जाए तो कौन से प्रश्न करने पर हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो इस सेंटेंस में वह स्कूल जाता है, यानी वह शब्द ये हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। और जाता है जो शब्द बना है वह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म जिसे हम जाना कहते हैं। कोई भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जानने के लिए उस शब्द के अंतिम अक्षर में ना शब्द का प्रयोग अक्सर करके आएगा। जैसे जाना, सोना, उठना, बैठना, हाँ, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना। तो जो ना शब्द वाले हैं इनसे किसी कार्य का बोध हो रहा है, किसी एक कार्य का बोध हो रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सब क्रिया के पहले रूप कहे जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को इसमें छांट लिया कि सब्जेक्ट कौन है, तो वह सब्जेक्ट मिला। उसके बाद ये हमारा मिल गया वर्ब, और बाकी जो स्कूल बचा ये हमारा किस पॉइंट पर आ गया, ऑब्जेक्ट के। यानी हमें मिल गया सब्जेक्ट, मिल गया वर्ब, मिल गया ऑब्जेक्ट, मिल गया। लेकिन अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर कहता है कि क्या होना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, वह। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। क्योंकि ये वह की दो अंग्रेजी होती है, ही और सी। जैसा कि आप जानते हैं वह स्कूल जाता है, इससे किसी पुरुष का बोध हो रहा है, और पुरुष के लिए जो प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं वह उसे हम ही कहते हैं। तो यह हो गया ही। अब जाता है शब्द, अब लिखा यहां हमने गो। क्या लिखा हमने, गो। तो क्या यह सही है, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है। आप देखें यहां मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही कौन सा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हमने कहा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। तो उसमें हमने लिखा यहां से ही गोज, अब यह बिल्कुल सही है। ही गोज, अब यह बिल्कुल सही है। ही गोज टू स्कूल, किसी प्लेस से पहले जाने के लिए हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ही गोज टू स्कूल, इस तरीके से हमने यहां लिखा वह स्कूल जाता है। अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हम इन सिंगुलर के साथ इसमें यस या ईएस लगाते क्यों है, क्या रीजन है इसका लगाने का कि हम इसमें यस या ईएस लगाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पर। आप जानते हैं कि गो क्रिया का पहला रूप है। क्रिया के कुल कितने रूप होते हैं, जरा हमको बताएंगे आप, क्रिया के कुल कितने रूप होते हैं। क्रिया के कुल 5 रूप होते हैं। जैसे कि इसे बोलते हैं V1, जिसे हम गो कहते हैं। दूसरे में इसे कहते हैं V2, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह कौन होता है, वेंट होता है। उसी प्रकार से और तीसरे फॉर्म में जिसे हम कहते हैं गो का थर्ड फॉर्म, जिसे हम गॉन कहते हैं, गो वेंट गॉन। और जिसे आप चौथा फॉर्म कहते हैं उसे हम ING फॉर्म कहते हैं, ING फॉर्म, जिसे हम गोइंग कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा इसमें पांचवा फॉर्म होता है इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, सॉरी, इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। और इस तरीके से इस चीज को पांचवा फॉर्म, इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो यह हुआ हमारा गोज, करेक्ट। गो पहला फॉर्म हुआ, वेंट दूसरा फॉर्म हुआ, गॉन तीसरा फॉर्म हुआ, और गोइंग चौथा फॉर्म हुआ। और गोज इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, पांचवा रूप क्रिया का कहते हैं गोज। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिंगुलर के साथ हम यस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम नहीं लगाते हैं। तो बात करें इस बात को लेकर के, तो देखते हैं कि ये जो गो है वह क्रिया का पहला रूप है, और क्रिया का पहला रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जो भी क्रिया होती है उस क्रिया का जो पहला रूप होता है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी
बहुवचन के रूप में होता है। तो ठीक है भाई, यदि हम यहां देखें कुछ समय के लिए, तो हमने क्या किया कि ही गो कर दिया। अब हम देखें इस बात को, तो ही हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल, तो पता चला कि जो ही हमने लिखा है वह सिंगुलर रूप में है, और जो गो है, अभी मैंने क्या कहा, गो क्रिया का पहला रूप है, और क्रिया का हर पहला रूप प्लुरल फॉर्म में होता है। तो सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, मगर जो वर्ब है वह हमारा क्या है, प्लुरल है। तो क्या सब्जेक्ट और वर्ब का सही एडजस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इसे भी सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। यही मुख्य नियम है इसका कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और यदि प्लुरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा यस या ईएस लगाने का नियम क्या है कि उसके क्रिया को भी हम क्या बना दें, सिंगुलर बना दें, तब वो अपने सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट हो पाएगा, अन्यथा वह गलत माना जाएगा। तो ये रहा हमारा सिंगुलर और प्लुरल को बनाने का तरीका, कैसे हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल। अब यदि मैं यहां लिखूं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो ठीक है। अब हमने देखा यहां से क्या लिखा है, मैं की अंग्रेजी आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जाने का काम तो मैं कर रहा हूं। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट छांटने का सबसे बढ़िया तरीका देखते हैं कि जो व्यक्ति क्रिया का, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो है कौन, यानी कौन से शब्द को प्रयोग करके यदि हम उसमें प्रश्न करें तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यदि मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, कौन स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूं, तो जो इसमें मैं शब्द मिला वह हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और जाता हूं शब्द, ये जाना शब्द से बना है, जाता हूं, और लास्ट में ता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिफिनिट की पहचान होती है क्रिया के अंत में ताती ते, तो इसके अंत में ताहूं आया कि नहीं, जाहिर सी बात है ताहूं है, तो यह हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इस प्रकार से मैं स्कूल जाता हूं, आई, अब लिखेंगे गो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। क्या हम यहां गो में यस या यस लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखें तो यहां हमारा प्लुरल सब्जेक्ट में आई यू दे और वी और प्लुरल नाउंस जो आते हैं उन्हें हम मानते हैं, तो आई हमारा प्लुरल है, यहां आई हमारा क्या है, प्लुरल है। अब आपके मन में एक प्रश्न यह भी आ रहा होगा कि सर ये आई सिंगुलर है या प्लुरल है, यदि आई प्लुरल है तो फिर हम आई के साथ वाच क्यों लगाते हैं, वेयर क्यों नहीं लगाते हैं। तो इसका भी एक सलूशन है कि प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लुरल मानते हैं और पास्ट टेंस में आई को हम सिंगुलर मानते हैं। यदि हम देखें इसमें तो आई गो, चूंकि आई प्लुरल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम जो है इंडिफिनिट कैटेगरी में पढ़ रहे हैं उसको हम, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आई शब्द जो है वह हमारा प्लुरल है। यही कारण है कि इसमें हम ईएस नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना क्रिया का जो पहला रूप होता है वह हमेशा किसमें होता है, वह हमेशा प्लुरल होता है, और यस या ईएस लगा देने पर वह क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अब बताइए इसमें जब यह हमारा सब्जेक्ट आई प्रेजेंट में होने की वजह से प्लुरल है तो क्या हम इसमें यस या ईएस लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, यह गलत होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा प्लुरल है लेकिन जो हमारा वर्ब है वह क्या है, सिंगुलर है। इस तरीके से इसे भी प्लुरल बनाने के लिए हमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको यह बातें, फंडामेंटल पॉइंट समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। रूल के अकॉर्डिंग नियम क्या कहता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वी वन में क्या लगाना है, हमें हमेशा यस या ईएस, हमेशा इस बात को ध्यान देना, क्या
कि जैसे ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर मिला हम तुरंत उसके साथ क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। और इस तरीके से इस सेंटेंस में हमने स्टडी किया कि V1 में यस या ईएस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके पश्चात हम इस बात को ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट लिखा हमने एक वचन के साथ यस या ईएस, और अन्य चीजों को मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा। तो ये सारी प्रक्रिया जो हमने स्टडी किया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के, और यहां पर हमने स्टडी किया प्लुरल सब्जेक्ट को लेकर के। अब बात एक और फंसती है कि कब यस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं, सेंटेंस में कब यस लगाते हैं और कब क्रिया में कब यस लगाते हैं और कब ईएस लगाते हैं, इसके बारे में। तो हम वही बात कर रहे थे कि क्रिया में हम कब यस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएस लगाने का नियम क्या है इसमें। यदि किसी क्रिया के अंत में ओ आया हो, एक्स आया हो, सी एच आया हो, डबल एस आया हो और एस एच आया हो, तो ऐसी स्थिति में हम उन सभी क्रियाओं के अंत में ई एस ही लगाएंगे और कुछ नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि गो, तो गो में हमने क्या लगाया, ई एस लगाया था या यस लगाया था, तो गो में हमने जोड़ा था ई एस और तब ये क्या बना था, गोज, करेक्ट। वही चीज है एक्स, यदि हम बात करें फिक्स, तो इस तरीके से इसमें भी क्या प्रयोग करेंगे हम, ई एस, तो इसे हम लिख सकते हैं फिक्सेस। और दूसरी बात है डब्ल्यू सी एच, वाच, वाच माने देखना होता है, तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, जब भी प्रयोग करेंगे तो हम ई एस का ही प्रयोग करेंगे, यस का नहीं। और उसी प्रकार से पॉसेस, पी ओ डबल एस ई डबल एस ई एस, पॉसेस रखना। तो ऐसी स्थिति में इसमें भी हम इसमें ई एस जोड़ेंगे, तो पी ओ डबल एस ई डबल एस ई एस, पॉसेस, डब्ल्यू ए एस एच, वास। तो देखते हैं हम इन सभी के अंत में हमें ये चीज मिलता है कि नहीं, दिखाई दे रहा है इसमें वास, तो इसे लिखते हैं हम लोग वास। तो ये हमने देख लिया, इसमें क्या रूल है इसका, कि यदि क्रिया के अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच आए तो उसमें हमेशा हमें किसका प्रयोग करना है, ई एस का, और बाकी में हमें किसका प्रयोग करना है, ई एस का, ठीक। हाँ, एक चीज और, जैसे कि हम जानते हैं कि पी एल ए वाई प्ले, इसमें जब जोड़ते हैं तो हम लिखते हैं पी एल ए वाई एस, जिसे हम प्लेस कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वाई से पहले यदि वावेल है, वाई से पहले यदि वावेल है तो उसमें सिर्फ यस लगेगा। लेकिन अब सेंटेंस में जैसे हमने कहा फ्लाई, तो ऐसे स्थिति में क्या वाई से पहले यहां वावेल है, यहां वाई से पहले वावेल था तो यस लग गया, और इसमें वाई से पहले यहां पर कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी स्थिति में वाई को हटा करके हम आई ई एस का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाता है वाई को हटाकर आई ई एस। तो ये रहा यस या ई एस लगाने का नियम, कैसे हम इसे प्रयोग करते हैं। तो आइए, अब हमने स्टडी किया रूल में, ठीक, तो हमने अभी पढ़ा यस या ई एस लगाने का क्या नियम है और सिंगुलर और प्लुरल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखें। वह अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है। अब देखा हमने इसमें कुछ और चीजें भी पढ़ गई, क्या, सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, कोई भी सेंटेंस, यानी इसमें हम स्टडी कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर के, सारी सेंटेंस में जो स्टडी करने जा रहे हैं सब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, हां मैंने ऐसा किया, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं।
तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसमें हम देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के अध्ययन करेंगे। और हमने अभी क्या स्टडी किया था, सिंगुलर के साथ क्रिया में हमें यस या यस लगाना है और प्लूरल के साथ हमें ज्यों का त्यों रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वह, ये हमारा मिल गया सब्जेक्ट, और जाता है शब्द यानी जाना से जो बना है ता है। लास्ट में क्या आया है इसमें, ता है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ यह, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ तो इसका सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही यानी वह, और उसके बाद जाना इसकी क्रिया है। यानी हमें दो चीज मिल गया, एक मिल गया सब्जेक्ट और दूसरा मिल गया वर्ब। उसके बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, स्कूल है। इस तरीके से हम पहले तीन चीज को लिख लेते हैं। तो यहां हमने लिखा ही और जाता है शब्द, गो, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब बचा है अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ। अब जानते हैं कि कोई सेंटेंस जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा आता है तो निश्चित रूप से उसमें प्रीपोजिशन जुड़ा होता है, प्रोनाउन जुड़ा होता है, नाउन जुड़ा होता है, बहुत चीजें होती हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तब एक लंबे सेंटेंस बनते हैं। तो उस लंबे सेंटेंस को हम कैसे स्टडी करेंगे, देखते हैं हम लोग। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब किसके साथ जाता है, अपने मित्रों के साथ। तो ये जो वर्ड यहां के साथ का प्रयोग किया गया है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, जिसे हम कहते हैं विथ। और ही के साथ अपना के लिए जो प्रयोग करते हैं वह चीज होता है हिज। तो ही गोज टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। थोड़ा इसमें जो अपना, अपनी, अपने आते हैं प्रोनाउन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि आगे सेंटेंस हम लोग ऐसे ही लंबे बनाएंगे। तो कैसे उस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, देखिए, अपना, अपनी, अपने जो प्रोनाउन होते हैं इनको भरने के नियम क्या होते हैं। और ये होता है इस तरीके से, यदि सब्जेक्ट आई है तो सेंटेंस में उसके साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई लगता है। यदि सेंटेंस यू है तो अपना के लिए क्या लगता है, योर लगता है। यदि सेंटेंस में वी है तो अपना के लिए इसमें हम अवर का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में ही है तो अपना के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में सी है तो अपना के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यदि सेंटेंस में दे है तो अपना के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकेंड पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है, लेकिन अंतिम जो तीन प्रोनाउन ये लिखे गए हैं, इट के साथ अपना के लिए इट्स आता है। तो ये जो अंतिम प्रोनाउन लिखे गए थर्ड पर्सन के हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी नाउन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही जो होता है वह पुरुष के लिए, जैसे किसी का नाम राम है। सी जो होता है वह किसी स्त्री के लिए, जैसे किसी का नाम सीता है। और दे जो होता है वह प्लूरल के लिए होता है, जैसे बॉयज या गर्ल्स, कॉमन जेंडर में है या। और इट जो होता है वह सिंगुलर चीजों के लिए, जो कि निर्जीव चीजें होती हैं उनके लिए, जैसे बुक इत्यादि। ठीक, तो इस तरह से ये हमने पढ़ा इसमें अपना, अपनी, अपने को भरने का नियम। अब हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लेकर के, कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहां देखते हैं कि हमने स्टडी कर लिया इसमें, अब हम कुछ और सिंगुलर चीजों को लेकर के बात करें। तो राम क्रिकेट खेलता है, अभी सेंस को देखिए हम लोग, तो कौन क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो हमें पता चल गया ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम करता है राम, खेलने का काम, खेलने। मैंने कहा था ना आपसे कि जिस शब्द के अंत में ना ने नी आए और उससे किसी कार्य का बोध हो तो निश्चित तौर से
वह क्या कहलाती है? हमारी क्रिया कहलाती है। और यहां आपने देखा कि जो खेलता है लिखा है, लास्ट में क्या है? ता है, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ, जाहिर सी बात है। तो हमने यहां देखा कि खेलता है शब्द जो बना है वह किससे बना है बेटा? खेलने से बना है, खेलने से। इस तरीके से ऐसी स्थिति में हम यहां लिखेंगे क्या? राम, उसके बाद आगे है प्ले। प्ले माने क्या होता है? खेलना। तो सेंटेंस में हो जाएगा राम प्ले क्रिकेट, राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो क्या हमने यह सेंटेंस सही लिखा है? क्या हमने यह सेंटेंस सही लिखा है? बिल्कुल सही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि राम सब्जेक्ट जो हमारा है यह सिंगुलर है या प्लुरल है। तो आपको बता दें कि जो भी किसी का नाम होता है, जो भी किसी का नाम होता है, वह नाम हमेशा थर्ड पर्सन कहलाता है, और थर्ड पर्सन प्लुरल होता है, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यस, थर्ड पर्सन में जो दे प्रोनाउन होता है वह प्लुरल होता है, लेकिन बाकी जो नाम होता है, नाम जो क्या होता है, वह हमेशा सिंगुलर होता है। इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि जो राम शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसी स्थिति में यह हम देखेंगे कि यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मैंने कहा था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। और आप देखते हैं कि प्ले में किसका प्रयोग करेंगे? हम यस का या ईएस का? यस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ईएस लगाने के लिए क्रिया के अंत में, मैंने डिस्कस किया था क्या आना चाहिए क्रिया के अंत में, या तो ओ हो, या तो एक्स हो, या सी एच, या यस एच, या डबल एस, ये रहेंगे तब क्रिया के अंत में हमेशा किसका प्रयोग होगा? ई एस का प्रयोग होगा, नहीं तो किसका प्रयोग होगा? यस का प्रयोग होगा। इस तरीके से हम देखते हैं यहां पर कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो आपने क्या देखा कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में फिर किसका प्रयोग किया गया? यस या ई एस का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से सीता टीवी देखती है, सीता टीवी देखती है, तो इसमें कौन टीवी देखती है? सीता किसी का नाम है, और नाम को मैंने क्या कहा? थर्ड पर्सन का होता है, और जो भी नाम होता है थर्ड पर्सन का वह सिंगुलर नंबर में होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर में माना जाता है। इस तरीके से सीता, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब देखती है, लास्ट में क्या है? ती है, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। इस तरीके से जो शब्द ये देखती है आया है, ये किससे बना हुआ है? देखना। किससे बना हुआ है? देखना। और देखने के लिए जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वह है वाच। आपको बता दें कि सी माने भी देखना होता है, लुक माने भी देखना होता है, लेकिन वाच का प्रयोग हम अधिकांशतः टीवी, मूवी, दूरदर्शन इत्यादि जो ऐसी चीजें होती हैं उन्हें देखने के लिए प्रयोग करते हैं वाच। तो अब हम यहां लिखेंगे क्या कि सीता उसके बाद देखती है, देखना से बना है, तो यहां लिखेंगे सीता वाच टीवी, सीता वाच टीवी। क्या सही लिखा है? बिल्कुल सही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि सीता भी तो सिंगुलर है, सीता भी सिंगुलर है, और ऐसी स्थिति में हमें इसके साथ क्रिया में क्या लगाना होगा? ई एस, यस नहीं लगाना होगा, क्या लगाना होगा? ई एस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि इनके यदि क्रियाओं के अंत में, यदि क्रियाओं के अंत में जो है ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच आया हो तो उसमें हमेशा ई एस, तो क्या इसके अंत में क्या आया है? सी एच आया है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को ध्यान देंगे कि हमेशा किसका प्रयोग करें? हम ई एस का प्रयोग करें। तो सीता वॉचेज टीवी, सीता टीवी देखती है। तो हमारा रूल मेन क्या था कि यदि कर्ता एक वचन है यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके क्रिया में हमेशा यस या ई एस प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें
क्रिया का पहला रूप लिखना है, यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। तो अब हम जरा सा कुछ अन्य शब्दों की बात करें इसे प्लूरल को लेकर के। अब बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउंस, प्लूरल नाउंस, ये सभी चीजें आती हैं इसमें। इनके साथ मैंने क्या रूल बताया था कि यदि इनके साथ हम वर्ब लगाएंगे तो उनके क्रिया के अंत में यस या ईयस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूं। अब ये हो गया इसे, तो इसमें कौन स्कूल जाता है, मैं जाता हूं, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, आई, आई माने मैं। और जो ये शब्द है जाता हूं, ये किससे बना है, जाना से बना है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, जाना की अंग्रेजी हो गई गो। मैंने एक बात कहा था ना कि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम तीन चीज का विशेष ध्यान देते हैं, क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तीन चीज का हम ध्यान देते हैं। तो यह हो गया आई और उसके बाद हमने क्या लिखा, गो, गो माने जाना, और उसके बाद आगे है टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, और बचा क्या, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन की अंग्रेजी क्या होती है, प्रत्येक दिन की अंग्रेजी हम एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो क्या इसमें हम यस या यस लगाएं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या प्रयोग करते हैं, क्रिया का पहला रूप प्रयोग करते हैं, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यह बना आई गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अब एक सेंटेंस लिखा गया हमारे सामने कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो एक मिनट, कौन झूठ बोलते, तुम झूठ बोलते हो। इस तरीके से तुम क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हो गया, और झूठ बोलना, झूठ बोलना इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेल अ लाई। झूठ बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल अ लाई। इस तरीके से यह हमारा सब्जेक्ट मिल गया, यह हमारा वर्ब मिल गया, और ये ऑलवेज। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, हमेशा, हमेशा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑलवेज। और यह हमारा एडवर्ब है, यह हमारा क्या है, एडवर्ब है। इस तरीके से यह सेंटेंस बनेगा, यू की अंग्रेजी क्या होगी, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, और उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, टेल अ लाई। क्या सही लिखा गया है, बिल्कुल गलत, एक चीज छूट गया, वह क्या था, हमेशा, और वह जो है वर्ब के पहले प्रयोग किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ऑलवेज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। अब सेंटेंस में जैसे यू ऑलवेज टेल अ लाई, तो क्या यह सही है, अब यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्यों, यू जो है वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद टेल अ लाई, टेल अ लाई, टेल क्या है, वर्ब है। इस तरीके से यू बहुवचन होने की वजह से इसमें हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया है, यदि ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से तुम हमेशा झूठ बोलते हो, समय से स्कूल आते हैं, वे समय से स्कूल आते हैं, वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, दे, दे माने वे। तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा, दे,
तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब कहां है? आते ते हैं। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। उसी प्रकार से आते हैं जो शब्द है वह आना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आना से। अब सेंटेंस हो जाएगा आना। आना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम। कम माने आना। दे कम वे आते हैं। सब्जेक्ट मिल गया और हमें वर्ब मिल गया। दो चीज मिल गया, एक सब्जेक्ट मिल गया और एक वर्ब मिल गया। अब क्या करेंगे हम इसमें? क्या कम्स लिख सकते हैं? सही होगा या गलत? तो यह बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दे प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। और जो कम्स हमने लिखा है वह सिंगुलर है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कोई भी क्रिया का जो पहला रूप होता है वह हमेशा किसमें होता है? प्लूरल में होता है। और यस या यस लगा करके उसे हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। क्रिया को, कर्ता को नहीं, किसको? क्रिया को बनाते हैं। तो ये जो हमारा कम है, कम ये हमारा क्रिया है और ये क्रिया बहुवचन के रूप में है। यदि हमने यस लगा दिया तो क्या बन गया? यह सिंगुलर बन गया, एक वचन का बन गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है और क्रिया हमारा एक वचन का है। अतः इसमें से हमें इसे क्या करना होगा? हटाना होगा। अब यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। कर्ता भी प्लूरल नंबर का हो गया और वर्ब भी किसका हो गया? प्लूरल नंबर का हो गया। इस तरीके से दे कम टू स्कूल, दे कम टू स्कूल। अब बचा है समय से, टाइमली। टाइमली माने समय से, या कहेंगे दे कम टू स्कूल इन टाइम। दे कम टू स्कूल इन टाइम, वे समय पे स्कूल आते हैं। तो इस तरह से यह सेंटेंस हमने जो लिखा है, दे कम टू स्कूल इन टाइम। तो हमने देखा यहां से कि जब हमने प्लूरल नंबर का लिया तो हम इस तरह से सेंटेंस को सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें प्लूरल सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है अन्य चीजें। ठीक। तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का स्टडी कर लिया और प्लूरल सब्जेक्ट का भी स्टडी कर लिया। ठीक। अब हम आगे बात करेंगे इसमें, इसके नेगेटिव सेंटेंस को लेकर। ये जितनी भी बातें हमने अभी स्टडी किया सब किस रूप में था? ये सब के सब अफर्मेटिव में थे। और अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वह होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में, यानी इसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब यह नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक। यानी सेंटेंस हम देखेंगे कि वह जो दिया गया सेंटेंस है वह अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को ध्यान देंगे कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर मिला तो हमेशा किसका प्रयोग करना है? डज नॉट का। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमें इसके साथ किसका प्रयोग करना है? डू नॉट का। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। करेक्ट। तो हमने इनसे क्या सीखा? हमने इनसे यह सीखा कि सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट, लेकिन इन दोनों स्थितियों में जब डू और डज क्या है? डू और डज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है।
डू और डज क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के साथ, यानी जब भी वाक्य में डू और डज का प्रयोग किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम वी वन में कभी भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब सेंटेंस में डू और डच का प्रयोग किया जाए, तो हम कभी भी वाक्य में उसके क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे केवल उसके पहले रूप में ही रखेंगे, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है यह। तो अगले चीजों के लिए इसमें हम ध्यान देंगे, जैसे वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। अब यह सेंटेंस हमारे सामने है, वो अपनी किताब नहीं पढ़ता है, तो इसमें हम देखें कि वह नहीं पढ़ता है। पहले सबसे ये हम ध्यान देंगे, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही, क्योंकि वह पुरुष से संबंधित है और स्त्री से संबंधित वह के लिए क्या प्रयोग करते हैं? शी। इस तरीके से ही, अब ही सिंगुलर है या प्लूरल, तो पता चला कि जो ही है वह हमारा क्या है? वह सिंगुलर है। हमने इसका डिस्कस कर दिया है इसके पहले, सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया है। तो हमें पता चला कि जो ही है वह हमारा कौन सा है? सिंगुलर है। और इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे? ही के साथ किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर के साथ, डज नॉट। तो यहां लिखेंगे ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब आगे है पढ़ना, पढ़ता है शब्द, पढ़ता है शब्द, ता है लास्ट में है कि नहीं, तो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। उसी के बाद हम देखते हैं कि यहां लिखा हुआ है पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, ये लिखा हुआ है यहां पर। तो लिखेंगे ही डज नॉट रीड, माने क्या होता है? पढ़ना। ही डज नॉट रीड अपनी किताब। अब अपना अपने अपने आ गया। आपको याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले इसका डिस्कस किया था कि अपना अपनी और अपने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हिच का प्रयोग करते हैं, सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं, वी के साथ अवर का प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां देखा क्या कि ही डज नॉट रीच, अब ही के साथ अपना के लिए क्या आता है? हिज आता है। ही डज नॉट रीड हिज, आगे लिखेंगे बुक, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग हमने किया? डज नॉट का। और जैसे ही हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो उसके क्रिया का जो पहला रूप होगा उसमें हम कभी भी यस या ईएस नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि यदि इसमें यस या ईएस लगाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। तो कभी भी हम इसमें भूल करके यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। वही चीज आगे हम देखें तो तुम सत्य नहीं बोलते हो, तुम सत्य नहीं बोलते हो। ठीक, अब इसमें हम देखें कि तुम शब्द, ये तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू माने तुम। तो ये जो यू शब्द है, ये सिंगुलर है या प्लुरल? मैंने पहले ही आपको बताया था, आई, यू, दे और वी, ये कौन से प्रोनाउन है? ये सब प्लुरल हैं। ये सब कौन है? प्लुरल सब्जेक्ट के प्रोनाउन है। इस तरीके से यहां हमने किसका प्रयोग किया? यू। अब ये प्लुरल नंबर में हो गया। यू के बाद आगे है बोलना। बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक माने क्या होता है? बोलना। स्पीक माने बोलना। अब बोलते हो, लास्ट में क्या आया है? ते हो। जब ये ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब आया है, तो कौन सा टेंस हुआ? तो ये टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब ऐसी स्थिति में यू अब लिखेंगे यहां से क्या, डू नॉट, क्या लिखे हमने, यू डू नॉट, डज नॉट नहीं लिखेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का, यू डू नॉट। आगे स्पीक माने क्या होता है, बोलना, यू डू नॉट स्पीक, और आगे क्या बचा, द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट हो गया इसका, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो यहां से हमने देखा कि लिखा हमने ये सब्जेक्ट लिखा, इसके साथ बहुवचन होने की वजह से यहां हमने किसका प्रयोग किया, डू नॉट का प्रयोग किया। फिर उसके बाद ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपसे कहा था ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब डू नॉट डज नॉट के साथ आता है तो उसमें कभी भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरीके से यह हो गया, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तुम झूठ, तुम सत्य नहीं बोलते हो, तुम सत्य नहीं बोलते हो। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में जो है, आज के लिए बस इतना ही, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल माई स्कूल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप अगले वीडियो को देखने के लिए पिछला वीडियो आसानी से समझ सकें। इसलिए अगले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा पहला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।